मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष कठुआ मनोहर लाल शर्मा को पुलिस ने रामकोट में रोक लिया जब वो कठुआ में पहले से नियोजित रैली की अध्यक्षता करने जा रहे थे। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ पूरे देश में जबरदस्त प्रदर्शन सरकार के खिलाफ कर रही है। मनोहर लाल भी डिस्ट्रिक्ट कठुआ में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके खबर नाउ। कम करो, कम करो, कम करो। बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाओ। सांबा में कांग्रेस पार्टी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। पंकज शर्मा की रिपोर्ट। हम आज कांग्रेस की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और कांग्रेस के तरफ से हम सारे लोग जितने भी अपने वर्कर हैं यहाँ पर मेमोरेंडम देने आए हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि ये राष्ट्रपति तक हमारे कांग्रेस की आवाज़ पहुँचा सके कि जितनी महंगाई पेट्रोल डीजल पर बढ़ते दामों पर और महंगाई पर रोक लगाई जाए। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला आरएसपुरा के सदस्यों ने आज गांव ठाकरिया में घर घर जाकर लोगों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। इस अवसर पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला प्रधान सरदार संतोष सिंह, उप प्रधान बलविंदर सिंह, महासचिव सुलखन सिंह और मंडल प्रधान जसवीर सिंह सहित मोर्चा के कई अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस मौके पर मोर्चा के सदस्यों द्वारा लोगों को जागरूक भी किया गया कि वो कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। आरएसपुरा से सोहन चौधरी की रिपोर्ट। हमारा मराठी मोर्चे की तरफ से गांव सुचेतगढ़ ब्लॉक गांव ठिकरियों में हमने मास्क बांटने का काम किया है, जिसमें हमारे इधर के वरिष्ठ नेता बलविंदर सिंह वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी सुलखन सिंह जी और हमारे ये मंगत राम जी, दूसरे मंगत राम जी और मेरे काफ़ी साथी इधर के, जिन्होंने हमें साथ सहयोग दिया और पूरे गांव में हमने मास्क बांटे हैं, फ्री मास्क। बसोली के लिए गर्व की बात है, जहां 12वीं कक्षा में परीक्षा में टॉप किया है और बच्चों में खुशी का माहौल देखा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है बसोली वासियों के लिए, जहां बसोली के अंशुल ठाकुर ने 12वीं कक्षा में टॉप किया है, जिससे पूरे परिवार में और बसोली वासियों के लिए गर्व की बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंशुल ठाकुर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बसोली का छात्र है। आज बसोली म्युनिसिपैलिटी कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट अभिनव राजदान और समाजसेवी संजय राजदान ने अंशुल ठाकुर समेत सभी टॉपर्स को सम्मानित किया और उनकी हौसला अफजाई की। इन सभी टॉपर्स के साथ माता पिता भी आए थे और सभी काफ़ी खुश थे। जेके खबर नाउ से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए अंशुल ठाकुर ने बताया कि उन्होंने कभी भी सुविधाओं की कमी को बहाना नहीं बनाया, लगन से सिर्फ मेहनत की, जिसकी वजह से उनको ये सफलता मिली है। बसोली में इस बार इस तरह का रिजल्ट आया, जिससे बसोली वासी काफ़ी उत्साहित और खुश हैं। बसोली से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा हाल ही में घोषित किए गए 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में सरकारी बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल आरएसपुरा के छात्र युवराज सिंह पुत्र बिट्टू चिब निवासी सतराइया ने विज्ञान विषय में 93.2% अंक हासिल कर क्षेत्र और स्कूल का नाम रोशन किया है। वहीं युवराज सिंह द्वारा बेहतर अंक अर्जित करने पर परिवार में खुशी का माहौल है। युवराज ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और स्कूल अध्यापकों को देते हुए कहा कि उनका लक्ष्य है कि वो आईएएस अधिकारी बनकर देश सेवा करें और इसके लिए वो आगे भी अपनी बेहतर तरीके के साथ शिक्षा जारी रखेंगे। आरएसपुरा से सोहन चौधरी की रिपोर्ट। मैं मोहन सिंह चिब अलाइस बिटू चिब गांव सतराई का रहने वाला, मेरे बेटे ने अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में टॉप किया है, इसने 93.2% नंबर लिए हैं। हमारे गांव का हमारा भी नाम रोशन किया और हमारे गांव का भी नाम रोशन किया है। हम इसके ऊपर गर्व करते हैं और ये आगे चढ़ के इसको भगवान आगे से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी दे। मैं युवराज सिंह जी यहाँ पे अपनी हायर सेकेंडरी आरएसपुरा में मैंने टॉप किया है, तो ये सारा श्रेय मैं अपने माता पिता और अपने गुरुजन जो भी हैं, मेरे टीचर्स सोन सर
नीरज सर फिजिक्स के लेक्चर और सुजीत सर बायो के लेक्चर और बाबू सर सर इनकी वजह से ही मैं आज टॉप कर पाया हूँ। 93.2% आए हैं मेरे अपने स्कूल में। मैं आगे जाके IPS ऑफिसर बनना चाहूँगा। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए संस्था एंटी क्राइम के सदस्यों को सोमवार को महामंडलेश्वर अनूप गिरी जी महाराज द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्था के प्रधान श्यामलाल मुख्य तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि वो आगे भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते रहेंगे। सोहन चौधरी की रिपोर्ट। जय हिंद। आज हमारी NGO थर्ड आई एंटी क्राइम टीम को श्री 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 अनूप गिरी जी महाराज जी ने सम्मानित किया है, जो कि आरे के महामंडलेश्वर हैं और महामंडलेश्वर द्वारा हमारी NGO को सम्मानित करना एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही गर्व की बात है। मैं ऐसे संतों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने हमारे काम को देखा, हमारे काम को सराहा और हमारे के सम्मानित किया। मैं इनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। जय हिंद जय। आज मेरे द्वारा NGO के चेयरमैन श्यामलाल जी और उनकी टीम को सम्मानित किया गया। इनकी टीम ने लॉकडाउन के दौरान, कोरोना काल के दौरान पूरे बिसना कस्बे को, आसपास के गांव को दो दो तीन तीन बार सैनिटाइज किया। मैंने इनका काम खुद देखा हुआ है। इन्होंने लॉकडाउन में गरीब परिवारों को, ज़रूरतमंदों को राशन भी उपलब्ध कराया। कोरोना के पहले भी इनकी टीम बड़े काम करती थी। गरीब बच्चियों की शादी में इन्होंने भरपूर सहयोग किया, राशन वगैरह दिया। इसके अलावा इन्होंने गेम भी करवाए, इसके अलावा ब्लड डोनेट कैंप भी लगवाए। मैं इनके कार्य से बड़ा प्रभावित हुआ। फिर आज मैंने इनको यहाँ बुलाकर और इनको सम्मानित किया, इनकी सारी टीम को सम्मानित किया। मैं इनके NGO के स्वर्णिम भविष्य की महाशय सुधार सभा द्वारा मीरा साहिब क्षेत्र में आयोजित एक बैठक के दौरान पूर्व तहसीलदार गरीबदास को सभा का अगले 5 सालों के लिए सर्वसम्मति के साथ आरएसपुरा के प्रधान चुना गया। साथ ही सभापति बोधराज राव की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक के दौरान चुनावों के फॉर्म वापस लेने की अंतिम दिन बिशन दास द्वारा अपना नाम वापस ले लिया गया, जिसके चलते गरीब दास को प्रधान पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर गरीब दास ने सभा के सदस्यों को विश्वास दिलाया कि उन पर जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उस पर वो खरा उतरने के लिए पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करेंगे। आरएसपुरा से सोहन चौधरी की रिपोर्ट। हमारी जो इलेक्शन की प्रोसेस चल रही थी पिछले काफ़ी दिनों से, हम प्रेसिडेंट जो प्रधान महाशय सुधार सभा तहसील आरएसपुरा की इलेक्शन जो है पिछले कई दिनों से करवा रहे थे और उसमें हमने पहले डेलीगेट बनाए, उसके बाद नोटिफिकेशन निकाला 20 जून को। आज विड्रॉल की डेट थी। विड्रॉल में 2 कैंडिडेट आज हमारे मैदान में थे, एक श्री बिशनदास जी मेसिया से और दूसरे गरीबदास जी यहाँ के सिंबल के, और तीसरी एक एप्लीकेशन थी प्रवीण कुमार बंडे के रहने वाले थे, उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी। तो इन दो में से आज श्री बिशनदास जी ने अपना जो पर्चा है वो वापस लिया है, विड्रा किया है, और इसलिए हमने श्री गरीबदास जी को जो प्रधान है, प्रेसिडेंट है, उसको डिक्लेयर किया है एज इलेक्टेड। मैं गरीबदास तहसीलदार रिटायर, आज हम सब यहाँ बाबा बूढ़ा राम जी महाराज की समाधि पर सब इकट्ठे हुए हैं। जैसे भी हमारे इलेक्शन इंचार्ज सभापति जी ने कहा कि इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ था, क्योंकि मेरा 5 साल का टेन्योर जो है मेरा पूरा होने जा रहा था। उसी सिलसिले में इन्होंने बड़ी संजीदगी से, बड़ी तरीके कार से मेरा इलेक्शन का प्रोसेस शुरू किया और आज जो है लास्ट विड्रॉ की डेट थी, उसमें से हम 2 कैंडिडेट थे, बिशनदास जी और मैं खुद। बिशनदास जी ने जहाँ हमारी सभा को, हमारी बरादरी की एकता को बरकरार रखने के लिए उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, उसके बाद मैं वाहिद कैंडिडेट रहा। तो उसी सिलसिले में हमारे इलेक्शन अथॉरिटी सभापति जी बोधराज जी राव ने यहाँ हमें, मुझे इलेक्टेड जो है प्रेसिडेंट 5 साल के लिए किया।